हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर देखने, मतलब काफी दिनों के बाद लॉकडाउन खुला है तो निशांत का मन कर रहा है कि कहीं घूमने चलें। तो मैंने बोला भैया अभी नहीं, अभी थोड़ा खुलने दो। लेकिन वही है, मूड है क्यों, बहुत दिनों से घर में है सब, तो एक बार ही गाड़ी के अंदर बैठे बैठे थोड़ा सा घूमने की कोशिश करेंगे, एक साइड सीन हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी चलते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज का टूर। दोस्तों ये है जवाहर सर्कल, जयपुर में तो ये सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा सर्कल है ये। और अभी शायद बंद है, अंदर अलाउ नहीं है इसके अंदर जाना। पार्क है और इसका जो मेन गेट है वो तो बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं कोशिश करूँगा मेन गेट को कैप्चर करने की। ये है पत्रिका गेट, अभी तो फिलहाल ये खुला हुआ नहीं है, जब खुलेगा तो वापस आएंगे इसमें। और ये है जेलन रोड, जेलन रोड के जस्ट सामने है ये पत्रिका गेट। जब ये खुलेगा तब वापस आएंगे। मंदिर जिसमें बहुत अच्छा आर्किटेक्चर भी किया हुआ है, तो देखते हैं कब तक खुलता है, इतनी और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। लोग जयपुर में रहते हैं वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, जैसे ही कोई वीकेंड या कोई छुट्टी होती है लोग जीटी मतलब गौरव टावर ज़रूर आते हैं। ये मेरे पीछे भाई है, अभी तो सारी शॉप्स बंद हैं, मतलब मीटिंग चल रही है सब में, कोई भी शॉप्स खुली नहीं है, तो बाद में विजिट करेंगे कभी। और ये है जीटी सेंट्रल, सबसे बाद में यही मॉल बना है यहाँ पे, इससे पहले जीटी तो बहुत पुराना है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, यार ये सारे मॉल बंद हैं, बाहर से मज़ा नहीं आ रहा, अंदर जाने का मन कर रहा है लेकिन अभी खुले ही नहीं है, क्या करें। इसमें आएंगे बाद में, इसमें गेमिंग जोन बहुत अच्छा है और थिएटर भी है इसमें, और देखते हैं आगे और क्या क्या मिलेगा। इस एक मॉल में दो विंग है, नॉर्थ विंग और साउथ विंग, तो दोनों की जो एंट्रेंस है वो बीच में से मिलती है। तो आप अगर एक ब्लॉक में एंटर करते हो तो आप, जैसे ये दूसरा ब्लॉक है तो इसमें दोनों में आ सकते हो आप, अंदर से दोनों का रास्ता है।
काफ़ी बड़ा वीवी है ये, और मैंने भी इसमें काम किया हुआ है काफ़ी दिनों तक, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। और ये इंडिया का पहला बीपीओ है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आज से लगभग 9-10 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ था। तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सालों तक यहाँ काम किया और बड़ी अच्छी यादें हैं इसके साथ। से निकले थे कि चलो कुछ देख के आते हैं, लेकिन भाई सब बंद है। वही है, लॉकडाउन अभी जस्ट खुला ही है, तो ओपन होने में सारी चीज़ों को दोबारा से रूटीन में आने में टाइम लगेगा, लेकिन चलो ठीक है। काफ़ी दिनों से घर के अंदर बंद थे, बाहर निकले, अच्छा लगा। जयपुर वैसे ही शहर बड़ा अच्छा है, घूमने में मज़ा आता है। कोशिश करेंगे जैसे जैसे डे बाई डे लॉकडाउन खुलता जाएगा, जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे दोबारा से। दोस्तों ये है जयपुर का फन किंगडम, एक फन पार्क बनाया था 90s में, बट कुछ डिस्प्यूट की वजह से ये बंद हो गया। इसको दोबारा से ओपन करने का प्लान है और उम्मीद करते हैं जल्दी ओपन हो, तो एक एंटरटेनमेंट पार्क जयपुर को और मिलेगा, अच्छा लगेगा। और भाई आप करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, मम्मी को लेने हैं कोई जॉगिंग शूज, तो वो लेने चलते हैं अंदर। तो मम्मी वैरायटी देख के हो गई कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा कौन सा लें, सब बैठे हुए देख रहे हैं कौन सा लेना। अभी थैंक यू भैया, बना दे आप बिल। तो शॉपिंग हो चुकी पूरी, थैंक यू भैया।